ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬತ್ತದ ಪಾಪ ಸರಿ ಕಾದಪ್ಪ ಬಡ ಲೋನ ಕೊತ್ತೀನಿ ಮೂರು ದಿನ ಮಗಳು ಲೇಡಂಟ ಮಗಳು ಲೇಡಂಟ ಹ್ಞೂ ಪಿಚ್ಚೆ ಪಡ ರಾ ಪಹಲೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ದಿತ್ತೆ ಮೈನೆ ಆನಾ ಬಡಕೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಮೇರೆ ಚಾಂದ ರಾತ್ರಿ ಭೀ ಪಿಚ್ಚೆ ಪಡಾ ಈದ್ ಕಿ ದೂಸರೇ ತೀಸರೇ ದಿನ ಫಿರ್ ಪಿಚ್ಚೆ ಪಡಾ ಪಡಾ ತೋ ಮೈ ಬರಿ ಮೈ ಕೋ ಪಿಚ್ಚೆ ಮೇರೆ ಭಯ್ಯಾ ಕೋ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಥಿ ಮತ್ತೆ ಭಯ್ಯಾ ಕೋ ಬೋಲಿ ಉನ್ಕೆ ಭಾಯಿ ಕೋ ಭೀ ಬೋಲಿ ಮೈ ಐಸಾ ಮೇರೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಪಡ ರಹಿ ಥಿ ಮೇರೆ ಭಯ್ಯಾ ಕೋ ಸಮಝಾ ಔರ್ ಬಾತ್ ಕಹ ರಹಿ ಕಿ ಬರಾ ಬಾತ್ ನಹೀ ಕರಿ ತೋ ಮೈ ಮರ್ಡರ್ ಕರ ದೇ ತುಮ ಬರಾ ಬರ್ಕೆ ಬೋಲ್ ಕೆ ಮೈ ಠೀಕ ಹೈ ಮೈ ಬೋಲ್ ದಿಯಾ ಬೋಲ್ ಕೆ ಬೋಲೆ ಅಬ್ ಕೈಸೆ ಮಾರೂಂ ಆಪ್ ಐಸೆ ಆಪ್ಕೋ ಏಕ ಬಡಿ ಚಾಕೂ ಥಿ ದರವಾಜೆ ಖಟಕಾ ಮಾರೆ ತೋ ಮೈ ಹಮಾರೆ ಶೋರ್ ಆಯ ಶೋರ್ ಬೋಲ್ ಕೆ ಶೋರ್ ಆಯ ಬೋಲ್ ಕೆ ದರವಾಜಾ ಖೋಲಿ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಐಸಾ ಕರ್ತೀ ಬೋಲ್ ಕೆ ಚಾಕೂ ನಿಕಾಲ್ ಕೆ ಪಹಲೆ ಗಲ್ಲೆ ಪೆ ರಖಾಯಾ ಮುಂಹ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಮೇರಾ ಬಗಾ ಬಕ್ ಮಾರ್ ದಿಯಾ ಮಾರ್ ಕೆ ಭಾಗ್ ಗಯಾ ಸಾಬ್ ನಾ तुम्हारे साथ अफेयर था तुम्हारा नहीं था नहीं बोलो कैसे बोलो मैं जाए जाके चाकू से वार कराने मेरे पीछे ऐसे बड़ी में मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के बस मेरे साथ ऐसा करके बस मुंह बंद करके पहले गला दबाया मैं हाथ हटा दी तो क्या नाम है इनका मोहम्मद आसिफ है लगा दिया ऑलरेडी अरे बंद कर दिया तू मेरा नाम जावेद है मेरे घर में घुस के आसिफ मेरी बीवी के ऊपर वार करा घर में कोई नहीं थे मैं घर से खाना खा के निकला था मेरे दोस्त के पास मैं गया था तो नीचे घर में भी कोई भी नहीं थे घर में घुस के वार करा और ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ा हुआ था अगर ऐसा रहा तो घर में औरत दा तो अकेले छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है मैं तेलंगाना से अपील करता हूँ इस मुजरिम को इस आसिफ को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे को इंसाफ दिया जाए और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है ऐसे जनों को जो खुलेआम जो घर में घुस के मार रही तो हर जने जगह पे किसी को भी सुरक्षित नहीं है तो पुलिस से भी और तेलंगाना स्टेट से मैं अपील करता हूँ हम लोग की हिफाजत के साथ साथ ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए अल्लाह बच्चे का बोलो बच्चा मेरा बच्चा भी सीरियस है पेट में बच्चा अब नहीं बसता बोल के बोल रही और मेरी बीवी भी बहुत सीरियस है अभी ऑपरेशन थिएटर पर लेके गए हर जगह पर वार करा किडनी में चाकू है तकरीबन 7-8 जगह पे वार करा घर में घुस के अकेले में मार के चले गया पड़ोसी भी चिल्लाए तो जब पड़ोसी वाले गए तो मेरी बीवी घायल पड़ी अभी यहाँ उस्मानिया में ला के रखे है और सीरियस है बच्चा तो नहीं बच सकता बोले डॉक्टर साहब बड़ी जान को भी बचाना मुश्किल दिख रहा बल्कि सीरियस है बल्कि अल्लाह हाफिज़।